आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों की सुर्खियों में क्या है आज खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के विभिन्न थानों में हुई शांति समिति की बैठक, तो वहीं आज हिंदू जागरण मंच और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बुलाई गई बैठक में हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का जताया विरोध। तो वहीं खबरों की खबर में लाइसेंस को लेकर बना सस्पेंस पर हुआ मामला साफ, आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पहला खबर, दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के द्वारा थानों में बुलाई गई शांति समिति की बैठक। बैठक में सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर हुई चर्चा। तो वहीं दुर्गा पूजा समिति के कुछ लोगों ने जताया रोष, कहा अंधेरे में कैसे होगी दुर्गा पूजा, बताए सरकार। आज हिंदू जागरण मंच कोरोना में पूजा को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी को पूजा विरोधी बताया। हालांकि कल जिला के विभिन्न थानों में आयोजित शांति समिति की बैठक में भी लोगों ने सरकार के इस कदम को कुछ ने सही बताया तो कुछ ने गलत। कुछ को लेकर जो नियमावली बनाई गई है पूजा को लेकर, शांति समिति में हिस्सा ले रहे स्थानीय निवासियों ने सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश को थोड़ा लचीला बनाने की बात कहते हुए नजर आए। शांति समिति की बैठक में 15 ओपी के प्रभारी ने क्या कहा और पूजा समिति के लोग एवं स्थानीय लोगों ने क्या कहा, तो वहीं हिंदू जागरण मंच और रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के संयुक्त तत्वाधान में बुलाई गई बैठक में क्या हुई बातें, आइए सुनते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को आप लोगों को पालन करना होगा और सभी से बारी बारी से हम लोग सब पूजा कमेटी के नाम से एक स्व घोषणा का फॉर्मेट बनाया है जो सरकार द्वारा दिया गया है, उस पर सबसे अंडरटेकिंग लिया जाएगा। 15 ओपी में आज हमारे समाज के जितने लोग हैं, जो भी पंडाल वाले लोग सब लोग आए हैं, बड़ा बाबू ने जो भी बताया, जो भी नियम कानून आया है सरकार का, सब ने पढ़ के बता दिया सर ने। जो भी पूजा पंडाल को जो दिक्कत आ रही है, मेन प्रसाद वितरण का दिक्कत है, जब तक भोग नहीं लगेगा, भोग बटेगा नहीं, फिर पूजा सफल नहीं होगा। छोटा स्पीकर हर पंडाल में लगेगा, बिना स्पीकर का होगा नहीं, मंत्र उच्चारण नहीं होगा। ये सब कुछ बातें हैं जो हमने प्रशासन के सामने रखी है, आगे देखा जाए क्या होता है। बिना प्रसाद वितरण के पूजा कैसे होगा माँ का? विद्युत सज्जा का व्यवस्था के लिए थोड़ा कम किया गया है, ठीक है, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी विद्युत व्यवस्था की आवश्यकता अनिवार्य है, नहीं रहेगा तो फिर दर्शनार्थियों को ये नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर हम लोग को बाजा की जो व्यवस्था है उसमें पहले की अपेक्षा बहुत कम की गई है, लेकिन फिर भी अगर बाजा की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर पूजा में आनंद नहीं आएगा। अंदर बैठने का जैसे 7 आदमी का वो रखा जा रहा है, तो पुजारी सहित तो 6-7 में कैसे होगा, 7 फीट का 6 फीट का दूरी बना के रहने की बात हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा संशोधन की मैंने आवश्यकता है। देखिए, आज जैसा कि हम लोग का 15 ये OP में शांति समिति का बैठक हुआ और हम लोग जितना भी यहाँ पूजा समिति के लोग हैं और आम पब्लिक भी जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों ने प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से एक मांग रखा है कि हम लोगों को प्रसाद वितरण करने का पूरा सुविधा दिया जाए। चूँकि पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा आज से नहीं विगत कई सालों से प्रसाद वितरण किया जा रहा है और आज हम ना किसी भक्त को की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं, ना पूजा समिति के आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। प्रसाद पाना हर एक भक्त का एक अधिकार है और उसको हम नहीं छीन सकते हैं। तो हमने आज प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है और दूसरी बात हमने ये रखा है कि जहाँ ये गाइडलाइन जारी हुई है माननीय झारखंड सरकार के द्वारा कि 4 फीट से ज़्यादा की मूर्ति नहीं होगी, तो मैं प्रशासन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मूर्ति तो 2 दिन में नहीं बनती है, ना 5 दिन में, ना 1 हफ्ता में, वो महीनों की मेहनत है कारीगरों के द्वारा। तो अगर किसी पूजा समिति की मूर्ति अगर 5 फीट 4 फीट से ज़्यादा या 10 फीट के आसपास बन गई तो उसको क्या करेंगे अभी? वो उसके कारण अगर कारीगरों को नुकसान पहुँचेगा या फिर पूजा समिति को नुकसान पहुंचेगी और अभी आने वाले समय में तो 2 दिन में तो कोई मूर्ति 4 फीट की बन नहीं पाएगी, तो उसके लिए भी माननीय हमारे झारखंड सरकार से हमारा निवेदन है कि उसमें भी कुछ छूट दी जाए हम लोगों को। नीतीश भारद्वाज, इस शांति समिति की बैठक में जो प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस दिए गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें कुछ गाइडलाइंस तो सही है कि कोरोना के समय को लेकर के हम लोग को करना भी चाहिए, लेकिन कुछ गाइडलाइंस जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है उस पर हम लोग के तरफ से जो सभी समिति की तरफ से जो सुझाव दिया गया है, हम लोग यही आग्रह करेंगे उस सुझाव पर विचार करके उसको सुधार किया जाए। जैसे कि लाइट नहीं जलाना है, प्रसाद नहीं बांटना है, साउंड नहीं बजाना है, तो इस तरह से पूजा संभव नहीं है, ये सब चीज़ों पर थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है।
हाँ बिल्कुल हम लोग आगे रखेंगे इस बात को। कुमुझा, मैं सीमा मिश्रा, अभी पंडरा ओपी थाना में शांति समिति की बैठक हुई है और जितने भी सुझाव आए उससे हम सहमत हैं, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन में दो तीन लोग, तो मूर्तियां तो दो तीन लोगों से उठेगी नहीं, कुछ बातों से हम लोग असहमत हैं, तो प्रशासन की ओर जाने की हम लोग कोशिश जरूर करेंगे। सीमा मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार के लिए, त्यौहार के मद्देनज़र पंडरा ओपी अंतर्गत आने वाले सभी पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव, सदस्य और जो शांति समिति के मेंबर हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया। शांति समिति की बैठक में जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है, उस दिशा निर्देश को पढ़कर सुनाया गया सभी पूजा कमेटी के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों द्वारा। इस पर सहमति बनी कि जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है उसका हम लोग पालन करते हुए आगामी त्यौहार संपन्न करेंगे। साथ ही उन लोगों के द्वारा जो सरकार द्वारा फॉर्मेट उपलब्ध कराया गया है, उस फॉर्मेट पर अपना अपना हस्ताक्षर करके अंडरटेकिंग दिए कि हम लोग किसी भी सूरत में दिए गए नियमों का अवहेलना नहीं करेंगे। सार्वजनिक रूप से भीड़ नहीं लगाना है, प्रसाद का वितरण नहीं करना है, मेन रोड में मुख्य मार्गों पर सजावट नहीं करना है, इत्यादि वगैरह सभी बातें रही जिनको पढ़कर सुनाया गया और सभी लोग मानने के लिए तैयार हुए। प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर किसी प्रकार की कोई गैदरिंग होती है और जो गाइडलाइन दिया हुआ है अगर इसका अवहेलना किया जाता है तो सरकार जो है कि 188 भादवी और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जो है कि कार्रवाई की जाएगी। आज हिंदू जागरण मंच का बैठक हुआ, आप पूजा समिति से हैं, क्या निर्णय लिया गया आज के दिन? देखिए, आज हिंदू जागरण मंच की तरफ से बैठक आयोजित की गई थी और हमें आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ पर हमने उन्हें सरकार के गाइडलाइंस के बारे में बताया और हमने सारी चीज़ें स्पष्ट की। हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य था कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी समिति को कोई परेशानी हो रही है तो वह भी हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उसके लिए हम लोग हिंदू जागरण मंच को धन्यवाद देते हैं। और हमने इन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि प्रशासन से और सरकार से हम लोगों ने जिस बिंदुओं पर हमारी विरोधाभास है उसे हम लोग सरकार को स्पष्ट कर चुके हैं और प्रशासन के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी सहयोग की बातें आ रही है। और पूजा के दौरान हिंदू जागरण मंच के लोग पूजा समितियों में माँ की भक्तों की सेवा करने का आज निर्णय लिया गया और किसी भी प्रकार की अगर किसी भी पूजा समितियों को कोई परेशानी होगी तो सारे समिति, सारे धार्मिक संगठन एकजुट हैं और हम लोग शांतिपूर्वक और सुरक्षित ढंग से दुर्गा पूजा मनाएंगे। और सभी लोग आशा करते हैं कि माँ भवानी इस वर्ष कोरोना महामारी का वध करेंगी और जल्द ही हमारे राज्य में, हमारे देश में खुशहाली आएगी। मुनचुन राय, अध्यक्ष, रांची रेलवे स्टेशन, दुर्गा पूजा समिति। क्या सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है पूजा समिति उसके साथ है? देखिए, हम लोगों ने सरकार का गाइडलाइंस का यही निष्कर्ष निकाला है कि सरकार चाहती है कि भीड़ न हो और हम भी चाहते हैं कि भीड़ न हो, पूजा के माध्यम से कोरोना का संक्रमण न बढ़ पाए, इसका हम लोग आह्वान कर रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि आप घर से बाहर न निकलें। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि घर बैठे ही लोगों को लाइव दर्शन करवा देंगे और आप पूजा पंडाल में भीड़ न लगाएं, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं और हम लोग पूजा पंडाल में भीड़ नहीं लगने देंगे। और बाद बाकी मुझे लगता है कि जब भीड़ नहीं होगी तो इतनी सारी गाइडलाइंस की उतनी आवश्यकता नहीं है। मैं रांची जिला दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूं, मेरा नाम अशोक कुमार पुरोहित है। आज आपके नेतृत्व में ये बैठक हुआ, बैठक में क्या निर्णय लिया गया, हिंदू संगठन कैसे देख रहा है सरकार के नियमों को? आया है इसमें कुछ पॉइंट पे हम बिल्कुल सहमत नहीं,
एक तो मूर्ति के हाइट को लेके था कि 4 फीट की ही मूर्ति होगी। अब हम जानते हैं कि 4 फीट की मूर्ति में माँ का चेहरा जब हम देखते हैं तो उससे भाव उत्पन्न होता है, और बहुत सारे लोग मूर्ति का पहले से ऑर्डर दे चुके हैं, सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। आप जानते हैं मंत्रोच्चारण में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है कि कई जगह जहाँ सूखा पड़ा है वहाँ ये मंत्रोच्चारण के द्वारा वर्षा हुई है, और मंत्रोच्चारण से पूरे वातावरण की शुद्धि होती है। तो फिर ऐसा क्यों रोक लगाया जा रहा है कि नहीं, मंत्रोच्चारण के दौरान कोई साउंड सिस्टम आप नहीं बजा सकते? ये हमें बिल्कुल, ये गाइडलाइन हमें मान्य नहीं है। तो यही सब कुछ बातें थी। और फिर एक और जो कहा गया कि माँ की प्रतिमा को ढका जाएगा लाते समय, ले जाते समय, और जिधर पूजा होगा उधर पूरा घेर दिया जाएगा। तो हम ये दुर्गा पूजा मना रहे हैं, साल में एक बार आता है, हमारे लिए बहुत ही भक्ति, बहुत ही गर्व का ये पर्व है, और इसे हम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये उत्सव है हमारे लिए। ये तो ऐसा बात कर रहे हैं कि कोई इसे एक दुख का समय कि 3 लोग बस बैठे हैं और कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई मंत्रोच्चारण पंडाल के बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। तो हम ये सब जो गाइडलाइंस है इसका हिंदू जागरण मंच पूर्ण रूप से विरोध करता है। आगे की यही रणनीति है कि हमने अपने बातों को रखा है रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के सामने, और इनकी जो बैठक होने जा रही है मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री जिनके साथ भी, तो वो ये हमारी बातों को रखें कि हम भी सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल रखेंगे, लेकिन हाँ, जो बिल्कुल बेतुका गाइडलाइंस है, जो बिल्कुल बिना सिर पैर वाला गाइडलाइंस है, उसमें हमें संशोधन चाहिए। मेरा नाम ऋषि शाहदेव है और मैं हिंदू जागरण मंच प्रदेश अध्यक्ष। आज खास करके रांची जिला दुर्गा पूजा समिति और रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति का हिंदू जागरण मंच ने बैठक का आयोजन किया था, मगर रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति से कोई इस बैठक में प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। खासकर रांची जिला दुर्गा पूजा समिति से पदाधिकारीगण इस बैठक में आए। सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें बहुत हद तक ठीक है, बहुत हद तक गलत है। जहाँ तक प्रसाद वितरण का सवाल है, कल ही एक नेता ने दुर्गा मंदिर पहाड़ी मंदिर में प्रसाद का वितरण किया, क्या उससे कोरोना नहीं फैल सकता है? लॉकडाउन के समय में हम लोग दिन रात मेहनत करके लोगों को बना हुआ खाना, कच्चा खाना, अनाज, इस तरह कठिन परिस्थितियों में जाकर हम लोग घर घर देते रहे, उस समय सरकार को क्या कोरोना नहीं दिखा? मगर हम सरकार का जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करते हैं, मगर ये कहाँ तक संभव है कि 7 लोग ही मूर्ति के पास रहें, बाजा ना बजाएं? अरे कम से कम हमको अनुभव तो होने दीजिए कि हमारा पर्व आया है। आप तो ऐसा लागू कर दे रहे हैं कि ऐसा मुगल साम्राज्य में भी नहीं हुआ था। जीत सिंह अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच रांची महानगर। देखिए, आज जो हम लोगों ने बैठक आयोजित किया था ये हिंदू जागरण मंच के बैनर तले, जिसमें कि रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के लोगों ने भी अपना उपस्थिति दर्ज कराया, इन्हें हमने आमंत्रण दिया था, और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इस बात को जान सके, समझ सके कि अभी तक जो सरकार ने दुर्गा पूजा को लेकर दिशा निर्देश दिया है, इस दिशा निर्देश पर किस प्रकार से अमल किया जा रहा है या फिर कहाँ कहाँ आपत्ति है। चूँकि इस दिशा निर्देश पर जो आपत्तियाँ हैं वो संपूर्ण हिंदू समाज के साथ साथ हिंदू संगठन होने के नाते और एक हिंदू समाज का व्यक्ति होने के नाते मुझे भी है और हम सबको है। तो इस आपत्ति को दूर किया जाए और सरकार से एक मांग किया जाए, चाहे वो ज्ञापन देकर या फिर किसी भी माध्यम से, आप SMP न्यूज़ के माध्यम से हमेशा से बातों को उठाते आए हैं जिम्मेवार नागरिक के पत्रकार के माध्यम से, तो हमने ये बात आपके माध्यम से भी पहुंचाने का प्रयास किया है कि सरकार जो ये दिशा निर्देश जारी किया है इसमें जो तुगलकी फरमान है कि आप 4 फीट की मूर्ति रखेंगे, आप गाना बजाना नहीं करेंगे, आप लाइट सज्जा नहीं करेंगे, तो हम मातम नहीं मना रहे हैं महोदय, हम सब पूजा कर रहे हैं माता का के ऊपर, जो हिंदू समाज का और हमारा जो श्रद्धा है, आस्था है, हम इसे मना रहे हैं। एक पर्व है जो साल में एक बार आता है, आप कृपा करके, आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के फरमान जारी ना करें, और यदि आपने जारी किया है तो कृपा करके इस पर संशोधन करें। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि यहीं पर अगर हम इसी समाज में देखें तो एक विशेष समुदाय को इतनी छूट दी जाती है कि किसी के जनाजे में 20-20 हज़ार लोग पहुंच जाते हैं,
और एक समुदाय को इतनी छूट दी जाती है कि रोजाना वो लाउड स्पीकर से साउंड निकाल रहा है, रोजाना वो अपनी जो पूजा पद्धति है जो से किया कर रहा है। तो हम किसी का विरोध नहीं करते, परंतु एक इसी समाज में रहने के बाद एक हिंदू समाज को यदि रोका जाएगा और किसी विशेष समुदाय को यदि छूट दी जाएगी तो इस पर तो आपत्ति होगी, क्योंकि हम सब सामंजस्य और सद्भावना स्थापित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद भी करे, यही हमारी मांग है। राकेश कर्ण, हिंदू जागरण मंच, जिला अध्यक्ष। पूजा के दौरान हिंदू जागरण मंच के सदस्यों की क्या रहेगी भूमिका? हिंदू जागरण मंच की भूमिका ये रहेगी कि लोगों को सबसे पहले कि कोरोना काल चल रहा है तो सबको डिस्टेंस में रखने की एक सुविधा हम लोग खुद करेंगे ताकि सभी की माता बहना सुरक्षित रहे, और हम लोग एक जो सरकार की गाइडलाइंस है उस पर हम संशोधन करवाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की हर एक गाइडलाइंस हम लोग मान रहे हैं लेकिन हमारे धर्म की गाइडलाइंस भी कुछ है, हमारे धर्म की गाइडलाइंस को भी सरकार माने। पूजा से जो भी बाधाएं उत्पन्न करना चाह रहे हैं सरकार उस पर हम लोग उसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा नाम रंजय वर्मा है, रांची महानगर उपाध्यक्ष रंजय वर्मा। तो ही खबरों की खबर में लाइसेंस को लेकर बना सस्पेंस पर हुआ मामला साफ। जिसका लाइसेंस का तारीख कोरोना काल में एक्सपायर कर गया है उन्हें 31 अक्टूबर तक नहीं देना होगा फाइन, या टेम्पोररी लाइसेंस यदि आपका बना हुआ है तो उसको भी मिली है राहत, 31 अक्टूबर तक नहीं देना होगा कोई फाइन, लेकिन अगर लाइसेंस नहीं है तो यातायात पुलिस को भरना पड़ेगा जुर्माना। जी आपने बिल्कुल सही सुना, साथ ही 16 अक्टूबर से बनेगा लाइसेंस। डीटीओ ने की तैयारी, जिला प्रशासन की रहेगी नजर, पुलिस की होगी तैनाती, क्योंकि लाइसेंस को लेकर डीटीओ ऑफिस से भारी भीड़ होने की संभावना है। जी बिल्कुल सही सुना आपने। बाकी विषयों पर डीटीओ रांची ने एसएमपी न्यूज से क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए कि कोविड को देखते हुए लाइसेंस जो बनाने की प्रक्रिया थी, चाहे वो डीएल हो या लर्निंग लाइसेंस हो, दोनों को स्थगित किया गया था संक्रमण की संभावना को देखते हुए। उसके आलोक में राज्य सरकार ने अपने आदेश निकाला था कि जो भी लर्निंग लाइसेंस जो वैलिडिटी जिनकी है उसको 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। वर्तमान में कोविड संक्रमण और अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, उसमें विभाग के द्वारा अभी तक निर्देश प्राप्त हैं कि आप अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों को देखते हुए एक दिन में जितनी भी संख्या में की जा सकती है उतनी स्लॉट की संख्या दें, ताकि 16 अक्टूबर से उसको यथासंभव जो है संक्रमण की स्थिति को देखते हुए चालू किया जा सके। सर, परिवहन विभाग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बीच समन्वय नहीं बन पाया है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक जो छूट दिया गया था और ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो फाइन पर अभी फाइन काटे लाइसेंस पर। नहीं, समन्वय का अभाव नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। चीज़ें ये थी, राज्य सरकार ने जो था लर्निंग लाइसेंस और डीएल की एक्सपायरी के संबंध में, डीएल में एक्सपायरी अगर पहले हो रहा है कोविड के संक्रमण के दौरान तो उसको वैलिडिटी उसकी 30 अक्टूबर तक की गई थी, लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी भी 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई थी। इसका मतलब वो विधिवत है कि अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस है जो अक्टूबर में के पहले एक्सपायर हुआ है वो विधिवत माना जाएगा कि वो अभी 31 तक चालू है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका लाइसेंस नहीं बन रहा फिर भी हमारा फाइन काटा जा रहा है, इसमें क्या है? नहीं, इसमें जो लाइसेंस नहीं है उनको तो चलाना नहीं है मोटरसाइकिल, उनको फाइन कटेगा ही क्योंकि वो लीगल नहीं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उसके लिए वो लीगल नहीं ड्राइव कर। अभी प्रक्रिया चालू होगी 16 अक्टूबर से कोविड के देखिए पैसे काफी लग रहे हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया है, सब जो साथी का पोर्टल है परिवहन विभाग का, साथी पोर्टल में जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन के लिए फिर यहाँ पर प्रोसेस में आना पड़ेगा, जब फोटो खिंचवाने के लिए उस समय यहाँ कार्यालय में अपने स्लॉट के हिसाब से उपस्थित होंगे। यहाँ पे क्या चार्ज है? यहाँ पे स्लॉट की बुकिंग उनको ऑनलाइन करनी है, यहाँ पे कहीं नहीं, जो भी पेमेंट करना है उनको ऑनलाइन कर, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं बन रहा है। 16 अक्टूबर से हम लोग उस पर यथासंभव नियंत्रित ढंग से उसको प्रयास करेंगे चालू करने। पहले के स्लॉट को ट्रैफिक टेस्ट के लिए काफी रुका हुआ है, तो पहले किसे बैकलॉग को देखते हुए पुराने लोगों को पहले प्राथमिकता देते हुए साथ ही साथ जो नए लोग होंगे उनके भी पैरेलल प्रोसेस स्टार्ट करें। वर्तमान में रांची जिले में 6000 LL लर्निंग लाइसेंस का आवेदन और 2000 के आसपास DL के आवेदन लंबित हैं, जिनको हमको
यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। नहीं, ये बात सभी लोगों को जान लेना चाहिए कि कोविड 19 का संक्रमण अभी भी बना हुआ है और इसकी स्थिति जैसे पहले थी अभी भी वैसी है। लोगों को ये जब यहाँ पे आए लाइसेंस निर्गत करने के लिए, तो सबसे पहले उनको अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि हमारे बीच में कोविड का संक्रमण है और यथास्थित जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी फेस मास्क और मास्क का प्रयोग करना है उसके लिए संभवतः 100% उसकी तैयारी रखें। सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया अपने कार्यालय में की है और जो भी कर्मी इसमें प्रतिनियुक्त किए जाएंगे उनको ये हम लोगों ने जिस तरह के जो सरकार के नॉर्म्स हैं उनका 100% पालन किया जाएगा। और लोगों से अपील की करते हैं कि यहाँ भीड़ अनावश्यक भीड़ ना लगाएं और जो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन है वो एकदम करें और यही हमारे लिए सेफ है और हम लोग ये माने कि सेफ कार्यालय में सेफ्टी से आएँ और सेफ्टी से फिर वो घर जाएँ, ये हमारा प्रयास होगा। हम लोगों ने सबको शुरू से ही मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि जो भीड़ है उसको कैसे टैकल करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कैसे कराना है। कार्यालय में सभी कर्मियों को ये निर्देश दिया गया है कि अपने लिए भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सामने जो आ रहे हैं उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उसको कार्य को बिना किसी व्यवधान के हम लोग पूर्ण कर सकें। क्या लगता है, विभाग पूरी तरह तैयार है? नहीं, सरकार का आदेश है, हम लोग तैयार हैं, लेकिन ये है हमारे लिए टफ सिचुएशन है और 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं तो बस इस कार्यालय के लिए टफ टाइम है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को इस सर कार्यालय से जितना बेनिफिट होगा वो दे सकें। कर्मचारियों की अभी जो संख्या है वो कम है, ये बात सही है कि जिला परिवहन कार्यालय में कर्मियों की संख्या कम है, खासकर इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता पड़ती है फोटोग्राफी और बाकी चीज़ों के लिए। हमारा स्पेस की भी कमी है, हमारे यहाँ एक डिसएडवांटेज है, हमारे कार्यालय की स्थिति 3rd फ्लोर में है तो यहाँ उस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन के लिए थोड़ी जगह की कमी है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी कम जगह में ही मैक्सिमम जो है कोशिश करें कि उसका अनुपालन हो जाए। आपने थोड़ा स्पेस अवेलेबल कराने के कुछ डिमांड नहीं, विभाग से नहीं, वो तो यहाँ पर कार्यालय स्तर से हम लोग को व्यवस्था करनी होगी। प्रयास करेंगे कि इसी जो हमारे पास उपलब्ध है संसाधन उसी संसाधनों से बेहतर रिजल्ट लें। नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को चाहे वो पुलिस बल हों या वॉलेंटियर्स की आवश्यकता होगी, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिला स्तर पर उसकी व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया भी रखेंगे हम लोग और जो सड़क सुरक्षा है उससे अवेयरनेस और कोविड से संबंधित अवेयरनेस, ये दोनों प्रोग्राम हम लोग मोराबादी में भी और अपने कार्यालय में भी जारी रखेंगे। ड्राइविंग टेस्ट के लिए जहाँ तक बात है मोराबादी में, तो मोराबादी में हमारे पास स्थान उपलब्ध है तो हम लोग कोशिश करेंगे अधिकतम लोगों का जो पेंडेंसी है उसको पूर्ण कर सकें। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम लेटेस्ट अपडेट के लिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।